सिरजना टीवी देख रहे प्यारे दर्शकों, सत श्री अकाल। आपां अक्सर प्रेरक प्रसंग विचार करते हाँ, तो अज एक प्रेरक प्रसंग है जिसका शीर्षक है फिक्का बोलना जुबान विच्चों बोलीए। कहिंदे ने एक वार दी गल है कि अब्दुल कलाम साडे जो राष्ट्रपति रहे ने अपने पिता नाल बैठे रात दा खाना खा रहे से। उन्हां दी मां ने खाण लई सब्जी ते रोटी रखी, पर अब्दुल कलाम ये देख के बहुत हैरान होए कि उसके पिता जी दी प्लेट विच बहुत ज़्यादा सड़ी हुई रोटी रखी हुई सी, पूरी तरह बली हुई सुकी। अब्दुल कलाम ने अपने पिता वल देखिया, पर वह बड़े आराम नाल सहज मते नाल रोटी खा रहे सीगे। तां जद अब्दुल कलाम दी मां कोल आके सड़ी हुई रोटी लई माफ़ी मंगन लगी, तां अब्दुल कलाम दे पिता ने बड़ी सहजता नाल कहा कि मैनू तां सड़ी हुई रोटी बहुत स्वाद लगी, ये सड़ी थोड़ी सी, ये तां रड़ी हुई सी, कड़क सी। अपने पिता का जवाब सुन के अब्दुल कलाम बहुत हैरान होए, पर बोले कुछ ना, चुप रहे। बाद विच उन्होंने अब्दुल कलाम नू समझाते हुए कहा, देखो तुहाडी माँ सारा दिन घर विच काम कार करदी करदी बहुत थक जाती है, पर फिर भी वो साडे लई खाना बनाउंदी आ। ना केवल खाना बनाउंदी आ बल्कि सारे घर दे बाकी काम कार भी करदी आ। जली हुई रोटी सानू कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, वधिया खा ली ढिड भर गया, पर जेकर मैं कोई फिक्का बोल बोल दिंदा, मंदा बोल बोल दिंदा, तो मेरे द्वारा बोलिया होया एक भी मंदा बोल, रुखा बोल तेरी माँ दे दिल नू ठेस पहुँचा सकता सी। याद रखना, उहदे पिता ने कहा, बेटा याद रखना, औखे हालात, तंग हालात, सख्त हालात आदमी नू उन्ना दुख नहीं पहुँचाते जिन्ना उसके माड़े बोल पहुँचाते ने, उहदे मंदे बोल पहुँचाते ने, उहदे रुखे बोल पहुँचाते ने, उहदे मंदे शब्द पहुँचाते ने। पिता वल्लों मिलियां सिख्यावां ते अमल करके देखो उस एक गरीब परिवार का बच्चा साडे देश का राष्ट्रपति बनिया, मिजाइल मैन बनिया, बहुत वड्डा विज्ञानी बनिया, जिसनू सुन के जिस बारे पढ़ के सारी दुनिया अश अश कर उठती है, अपना मार्गदर्शक मानती है। तो सचमुच ये बहुत जरूरी है कि फिक्का बोलना जुबान विच्चों बोलीए। आओ अमल करिए, मैं भी तुसी भी असी सारे कोशिश करिए कि अपनी जुबान दे विच्चों अजिहे बोल ना बोलीए जो किसी का दिल तोड़दे होण, दिल दिखाउंदे होण, उस नूं तकलीफ दिंदे होण, उस नूं दर्द दिंदे होण, उस नूं पीड़ा दिंदे होण। सो आओ फैसला करिए कि फिक्का बोल ना जुबान विच्चों बोलीए। बहुत बहुत धन्यवाद।